हेलो कीर्स है यू ऑल आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन टू डे वी आर गोइंग टू लर्न इन अक ऑफ़ ऑफ स्कीप एंड जॉन लिटरेसी स्किल्स सो लेट्स आर अर टॉपिक टॉपिक इज मंथ ऑफ द ईयर मंथ ऑफ द ईयर मतलब जैसे कि बच्चे मैंने आपको days ऑफ द वीक में भी example दिया था सेम example यहाँ पर भी आपको मैं बताऊँगी जैसे कि आपके घर में आप चार पांच भाई बहन हो ओके तो मम्मी हर एक का एक एक नाम रखिए ऐसे तो नहीं बोल रही ये लड़का इधर हो ये लड़की इधर हो तो हर एक का एक एक नाम है तो वैसी ईयर्स होते हैं हमारे हर एक मंथ जाता है डेली ईयर में ना ट्वेल्व मंथ्स होते हैं कितने मंथ्स होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं टोटल कितने मंथ्स होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो हर एक ट्वेल्व मंथ्स में ना हर एक मंथ का एक एक नाम होता है स्पेसिफिक नाम होता है ओके okay? तो इसके लिए बोलते जाता है हम यहाँ पर ईयर्स मंथ ऑफ द ईयर्स ओके तो चलिए मंथ्स के नेम क्या होते हैं वो जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तो ये क्या है बच्चों मंथ ऑफ द ईयर ये सारे नाम्स होते हैं ट्वेल्व वीक्स ट्वेल्व नेम्स है मंथ ऑफ द ईयर में कितने मंथ होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो चलिए गिन लेते हैं आपको एक बार क्लियर हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व कितने मंथ्स हो गए ट्वेल्व मंथ तो मंथ ऑफ द ईयर में कितने मंथ्स होते हैं टोटल ट्वेल्व मंथ्स होते हैं इन सब के नाम्स क्या है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर। सो बच्चा आपको ये सारे मंथ्स के नेम याद रहना बहुत ज़रूरी है ओके तो चलिए यहाँ पे देख रहे हो बच्चा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी और है जैसे कि जी डेस ऑफ मंथ है मंथ ऑफ द ईयर है उनके डेज भी होते हैं क्या होते हैं इसमें एक एक डेज होते हैं देखिए जनवरी में ना थर्टी वन डेज होते हैं फरवरी में ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं देन मार्च में थर्टी वन डेज होते हैं अप्रैल में थर्टी मई में थर्टी वन जून में थर्टी जुलाई में थर्टी वन अगस्त में थर्टी वन सेप्टेम्बर में थर्टी अक्टूबर में थर्टी वन नवंबर में थर्टी दिसंबर में थर्टी वन तो बचा ये आपको याद करने में ना बहुत एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देती हूँ आप ही देख रहे हो हमारे पास क्या ये एक मुट्ठी बंद करते हैं हम तो ये यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करने का जनवरी जो ऊँचा ऊंचा हुआ रहेगा ना बच्चा जैसे हम ये जो उठा हुआ दिख रहा है आपको मुट्ठी बन के तो जब हमारे बोन्स उठे हुए तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे थर्टी वन क्या करेंगे हम थर्टी वन और जो नीचे है उसको थर्टी लेंगे जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट थर्टी वन बोलेंगे जनवरी में क्या बोलेंगे थर्टी वन जनवरी देन फरवरी ये सबसे तेड़ा है सबसे छोटा है तो इसको हम ट्वेंटी ले एट ले लेंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन सिर्फ फरवरी में फोर डेज मतलब लीप ईयर आता है ओके okay? फरवरी में ना लीप ईयर होता है जिसमें ट्वेंटी नाइन डेज होता है वैसे फरवरी में ट्वेंटी एट डेज होते हैं ओके okay? तो जनवरी में थर्टी वन डेज देन फरवरी तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन डेज होता है देन मार्च फिर थर्टी वन डेज जो ऊँचा है उसको थर्टी वन डेज देन फिर जो नीचा है वो थर्टी फिर थर्टी वन फिर थर्टी फिर थर्टी वन फिर थर्टी वन ओके देख रहे हो थर्टी वन फिर थर्टी वन यहाँ पे भी देख रहे थे अपने जुलाई में थर्टी वन फिर अगस्त में थर्टी वन देख रहे हो तो वैसे यहाँ पे आप देख लिया मंथ किन गए हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर देख रहे हो थर्टी वन तो जो ऊंचा है ना बच्चा इसको हम थर्टी वन बोलेंगे जो नीचा है खड्डे में है वो थर्टी और यहाँ पे जो सबसे पहला नीचा आता है वो फरवरी का सिर्फ आपको ध्यान देना है वो डेज होता है ओके सो यहाँ पे शॉर्ट पोएम में उसको हम डिसाइड करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे में मूव करते हैं थर्टी थर्टी डेज हैव अप्रैल जून नवंबर फरवरी है बच्चा यहाँ पे भी वही बोला गया है कि थर्टी डेज थर्टी डेज मिले थर्टी डेज किसके उसका है एक सेप्ट अप्रैल में है एक जून में है एक सेप्टेम्बर में है ओके एंड नवम्बर में ये फोर मंथ्स में क्या है थर्टी डेज तो यहाँ पे वही बोला गया देन यहाँ पे बोला गया फरवरी में क्या है वो एक, एक होता है एक मंथ है जिसके अंदर ट्वेंटी एट डेज आता है देन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जो डेज होते हैं उसके अंदर क्या है थर्टी वन डेज है कितने डेज है थर्टी वन डेज है लीप ईयर मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट लीप ईयर होता है एक फरवरी में जहाँ पर ट्वेंटी नाइन डेज आता है फरवरी में ओके, सो में यही बोला गया है सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस और पेज नंबर हंड्रेड एंड फिफ्टीन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज द नेक्स्ट पेज इज मंथ्स ऑफ़ द ईयर, ओके यहाँ पे भी मंथ्स ऑफ द ईयर है यहाँ पे बोला गया देर आर ट्वेल्व मंथ इन द ईयर मैंने आपको पहले भी बताया था ईयर में कितने मंथ्स होते हैं ट्वेल्व मंथ्स तो यहाँ पे क्या क्या नाम बताया गया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सारे मंथ्स होते हैं ये कितने मंथ्स है ट्वेल्व मंथ्स है एंड बच्चा मेन इंपॉर्टेंट जो नाम जैसे सिक्वेंस में दिए ना आपको वैसे ही याद रखना है ऐसा नहीं कि जनवरी आया फिर अप्रैल आ गया फिर जून आ गया फिर फरवरी आ गया फिर जुलाई फिर नवम्बर फिर दिसंबर ऐसा नहीं होना चाहिए ओके okay. सीक्वेंस yeah है वही सीक्वेंस में आपको नाम याद होना चाहिए मैंने आपको डेज ऑफ द वीक में बोला कि संडे मंडे ये सीक्वेंस याद होना चाहिए ऐसा नहीं उल्टा फुलटा याद करना है जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में आपको याद करना है ओके ये कंपलसरी है बच्चा इसमें कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा कंसेशन ओके यहाँ पे नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ द मंथ ओके यहाँ पे हमें मंथ के नेम लिखना है चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे जनवरी ओके J a n u a r y, January. Next, February. F e b r u a r y, February. Next, March. M a r CH March next April A P R I L April next May M A Y May next June J U N E June next July J U एल वाय जुलाई नेक्स्ट अगस्त ए S जी e, P एस E M B एस e, R सेप्टेम्बर नेक्स्ट अक्टूबर ओ सी T O B E R October Next November N O V E M B E R November Next December D E C E M B E R December ओके, सो लाइक दिस दिस वे यू हैव टू डू ऑन अ पेज नंबर 116 एंड बच्चा अच्छे से इसकी साली स्पेलिंग से याद करना है एंड ये सीक्वेंस जो है मंथ के वो आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए एंड बच्चा मुझे बताइए कितने मंथ्स होते हैं ईयर में ट्वेल्व यस सो लाइक दिस वे यू हैव टू डू ओके आई हैप इट इज ईयर टू यू सो चेक क्या बाय बाय